जी, आपकी फर्स्ट मूवी आई है इन डेब्यू इन मराठी, किस खास तरीके का आपका एक्सपीरियंस था, एक जर्नी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई एम वेरी हैप्पी। फिल्म एडिट होके मैं देख भी पाई थी, बिकॉज मेरा दूसरा काम में मैं बहुत बिजी थी, तो आज पहली बार मैं खुद भी फिल्म देख रही हूँ। और मेरे लिए जिस तरह से मैं खुद को देख पा रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फिल्म, एंड एज अ थर्ड पर्सन ऑल्सो आई ऑनेस्टली लाइक द एंटायर प्रोजेक्ट, लाइक द एंटायर एंड रिजल्ट एंड द कंप्लीट एनसेंबल ऑफ द फिल्म। तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर तो ऑब्वियसली मेरे को सबसे ज़्यादा वही पसंद होगा, पर द एंटायर फिल्म इज अमेजिंग, मैं बहुत खुश हूँ। जब आपको स्क्रिप्ट आपके हाथों में लगी थी तो किस तरीके का आपका फर्स्ट रिएक्शन था? मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था कि मुझे करना है, बिकॉज ये एक बहुत डिफरेंट कैरेक्टर था। जिस तरह से मैंने अपने शोज में कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है, वो उसके कंपैरिजन में बहुत अलग था और बहुत चैलेंजिंग टू स्टार्ट टू बिगिन विद इस, क्योंकि मराठी में था और मैं इतने वक्त के बाद जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ उतनी मराठी में नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत अलग और चैलेंजिंग था। तो और मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, तो आई विल टेक इट अप। अब तक हमने आपको हिंदी में ज़्यादा करके देखा है, टेलीविजन हो या बिग बॉस शोज वगैरह हो, तो फर्स्ट टाइम आप मराठी में डेब्यू कर रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा, या फिर वो प्रिपरेशन आपने किस तरीके से की, उसके बारे में कुछ बताएं? चैलेंजिंग तो ऑब्वियसली रहा है ही, बट प्रिपरेशन हमने की थी, हमने वर्कशॉप्स किए थे और वो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ऑल्सो इस फिल्म में लैंग्वेज इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि ठेठ मराठी नहीं थी, बहुत जैसे जिस तरह की मराठी में घर पे बात करती हूँ वही थी, तो इसीलिए वो एक साइड ऑफ द फिल्म ऑल्सो मुझे बहुत हेल्प किया। अभिनय ने आपको कितना सपोर्ट किया इस मूवी में? काफ़ी बढ़िया था, अभी तो इतना एक्सपीरियंस बोल चुका हूँ मैं महीने भर में कि अभी फिल्म देख ही रहे लोग, एंड आई थिंक कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिख रही है, लोग आके मुझे बोल रहे हैं बहुत ग्रेट मिनर और उसकी, सो आई फील दैट जो हमने एक प्रिपरेशन किया था, जो एक हमारा बॉन्डिंग है रियल लाइफ में, अच्छी तरह से स्क्रीन पर ट्रांसलेट हुआ, एंड इट इज़ लुकिंग ग्रेट, पीपल आर लविंग इट, इवन आई एम लविंग इट। तेजा, फर्स्ट मूवी मराठी में निकली है, इसके बाद आप कोई मराठी और मूवी के सब्जेक्ट में काम करना चाहेंगे? ऑफकोर्स, कोई अच्छी स्क्रिप्ट होगी तो मुझे ऑफर्स आए हैं और हमने स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो देखते हैं कुछ अच्छा अगर लगा तो। पार्ट टू में मन कस्तूरी का पार्ट टू आ सकते हैं? वो डायरेक्टर वापस नहीं मन कस्तूरी एक ही, अभी पार्ट टू के बारे में कुछ सोचा नहीं है। हाँ। पहले फिल्म देखेंगे, पहले ये साल एंजॉय करो मन कस्तूरी का, फिर देखते पार्ट टू के बारे में। तेजस्वी, ये कौन सा मराठी डायलॉग हो जाए इस मूवी में से जो आपको बेहतरीन लगा हो? मराठी मुझे वो एक डायलॉग इस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है, जो मैं बोलती हूँ कि आपल्या कॉलेजचा छावा सोडून कसा चालेल भावा। Thank you. Thank you.